हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद वर्षा। तो एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नए DIY एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये, आपके आईलैशेस बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं या बहुत कम हैं तो उन्हें घना कैसे कर सकते हैं, और आपके आईब्रोज जो हैं वो घने नहीं हैं, छोटे हैं, उन्हें आपको भी पसंद है कि आपके आईब्रोज लंबे लंबे हों, घने हों, अच्छे दिखें, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज जो भी मैं रेमेडीज लेकर आई हूँ इसको अगर आप 15 दिन डेली रात को सोने से पहले यूज़ करते हो तो आप देखोगे कि सिर्फ 15 डेज, वैसे मैं कहूँ तो सिर्फ 7 दिनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन मैं 15 दिन इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके आईलैशेस और आपके आईब्रोज जो हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएं, आपके आईलैशेस लंबे दिखें, आपको आर्टिफिशियल आईलैशेस लगाने की ज़रूरत ना पड़े, साथ ही साथ आपके आईब्रोज जो हों वो ब्रॉड हों, थिक हों, लंबे हों और अच्छे घने दिखें, खूबसूरत दिखें। तो इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, सबसे पहले हमें चाहिए एक कटोरी, और इसके बाद जो मेरा पहला इन्ग्रीडियंट है वो है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। इसमें मैं आपको क्वान्टिटी ऐसे ही बता देती हूँ, 1 टेबल स्पून के करीब आपको लेना है कैस्टर ऑयल, इसमें उतना ही है, 1 टेबल स्पून के करीब लेना है। और कैस्टर ऑयल जो होता है आप सबको पता होगा, कैस्टर ऑयल कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा होता है, कैस्टर ऑयल आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ आपके हेयर ग्रोथ के लिए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है कैस्टर ऑयल। सेकेंड इन्ग्रीडियंट हमारा जो है वो है ये है विटामिन ई का कैप्सूल। आप सबको पता होगा कि विटामिन ई का कैप्सूल जो होता है वो बालों को लंबा करने के लिए, घना करने के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसमें मैं ऐड करूंगी ये एक विटामिन ई का कैप्सूल, एक पूरा जेल आपको निकाल लेना है इसका, एक पूरे कैप्सूल का। इसका सारा जेल निकाल लीजिए। थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो है एलोवेरा जेल। मेरे पास पतंजलि का एलोवेरा जेल है, वो मैं डाल रही हूँ। इसको भी आपको एक चम्मच के करीब ही डालना है। अभी इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये है मस्कारा, ये सूख चुका है, इसको मैंने धो के रखा हुआ है, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मस्कारे का ब्रश है ये, मस्कारा मेरा ख़त्म हो चुका था। इससे क्या आपको आपके आईब्रोज और आपके आईलैशेस पे लगाने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी टेक्सचर हो गया है इसका। और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, एक हफ्ते तक, 10 दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हैं आसानी से। तो ये अभी मिक्स हो चुका है, अभी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आपको, और इस तरीके से। इस तरीके से लगाना है, उसके बाद आपको इस तरीके से मसाज करनी है 2 मिनट तक, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट तक मसाज कीजिए। उसके बाद इसको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, और इसी तरीके से आपको अपने आंखों पे लगाना है। आंखों पे जब आप लगाएंगे, आप हाथ से भी लगा सकते हैं और आप इसकी भी हेल्प से लगा सकते हैं, लेकिन जब भी आप आंखों पे लगाएंगे आपको ध्यान देना है कि ये बिल्कुल आपके आईलैशेस जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे लगना चाहिए, क्योंकि जो भी हम इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ किया है हमने वो हमारे जहाँ से ग्रोथ होती है वहाँ तक पहुँचना चाहिए ताकि ग्रोथ अच्छे से हो सके। और उसके बाद आप आँखों पे भी इस तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे मसाज कर लीजिए, थोड़ा सा जैसे रब करते हम अपने आईज़ को, बहुत धीरे धीरे से, और उसके बाद ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसे आपको डेली यूज़ करना है और रात को यूज़ करना है, रात को लगा के आप सो जाइए, एक हफ्ते में आपको फ़र्क नज़र आएगा, और 15 दिन में आपको जैसा आप चाहते हैं ना
बिल्कुल वैसा आपका आईब्रोज और आईलैशेस आपको बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं जैसे कैस्टर ऑयल, विटामिन ई एंड एलोवेरा जेल, ये तीनों आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हेयर ग्रोथ तो यहाँ पे भी हमारे हेयर्स इनको भी ये बढ़ाने में हेल्प करता है, तो इससे आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ आपकी आंखें और आपके लैशेस, आईलैशेस, आपके आईब्रोज बहुत खूबसूरत दिखेंगे और आपको आर्टिफिशियल आईलैशेस की जरूरत नहीं होगी। साथ ही साथ आपको आईब्रो पेंसिल से आईब्रोज बनाने की जरूरत नहीं होगी, ब्रॉड और थिक दिखेंगे। तो आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, इसे आप स्टोर करके रखिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये नुस्खा कैसा लगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।